बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। शर्म क्यों आएगी? और मैंने ऐसा क्या ही किया है? समाज के विरुद्ध जाकर मैंने कोई गलत काम किया है क्या? अब जो मैं गांव वालों के सामने जाने से कतराऊंगी? मैं कह रहा हूँ मिताली का कोई दोष नहीं है। कौन दोषी कौन निर्दोषी अभी तुम हमें बताओगे? हाँ मैं ही बताऊंगा, क्योंकि इन सब में तुम लोगों का ही कहीं ना कहीं दोष है। कभी भी किसी भी कारण अगर मेरा खानदान या मेरा समाज मुझे भूल भी जाए, मैं अंतिम समय तक इस समाज के लिए सोचूंगी। कुछ लोगों ने तुम लोगों को पैसा देकर मिताली को चरित्रहीन बुलवाया, और तुम लोग उसे सबूत बोलते हो? आंखें किसे दिखा रहे हो? पहल किसने की थी? चलो मिताली। क्यों पकड़ रहे हो? कुछ बात है तो आराम से कह सकते हो, थोड़ा सा तो शराफत दिखाओ। ठीक है, शराफत सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो ये शराफत का मुखौटा है इसे जरूर खोलेंगे। क्या कहना चाहते हो? सीधी तरह से बात करो। हम भी घुमा फिरा कर बात करने वालों में से नहीं है। बात इतनी है, देख रहा हूँ आजकल इस रास्ते से बहुत आना जाना हो रहा है। तुम्हें क्या लगा हमें इस बात का पता नहीं लगेगा? तो ये है मुद्दे की बात। सुनो, कहाँ आता हूँ कहाँ जाता हूँ ये मेरा निजी मामला है। तुम लोगों को पसीना गवाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये शहर नहीं है, ये गांव है। गांव गांव के कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा। तुम लोग सिखाओगे कायदे कानून और मुझे? तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। एकदम से सीधा कर दूं क्या? मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम लोगों का खैर नहीं। हाथ पांव तोड़ के अस्पताल भेज दूंगा। और एक बात, पहले गलती समझ के माफ कर रहा हूं। आइंदा अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मिताली की तरफ देखा तो मुंह से नहीं बोलूंगा, हाथ पांव तोड़ के अपाहिज बना दूंगा। गांव वालों, इन लोगों का असली स्वरूप यही है। ये लोग खुद न समाज के लिए कुछ करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। इन लोगों के पास और कहने के लिए है भी क्या? दूसरों को दंड देंगे। ठीक है, इन लोगों का विचार हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग जिस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं उससे इन बातों का कोई संपर्क नहीं है। है संपर्क? है। क्या संपर्क बेटा? तो किस संपर्क के बारे में बोल रहे हो? मिताली की वर्तमान अवस्था के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। और आप लोग मुझे गलत समझते हैं। आप लोग जैसे सोचते हो वैसे मेरी जिंदगी में कोई दाग नहीं है। लेकिन मैं मिताली के पास क्यों लौटाया, जब आप लोगों को मालूम पड़ेगा तो आप लोग खुद उसे धन्यवाद देंगे।
के सोच को अपनाएंगे जैसे मैंने अपनाया। मतलब मेरी बेटी का कोई दोस्त नहीं? नहीं, पर हम लोगों को उसका हाथ बटाना होगा, उसको सहयोग करना होगा। लेकिन शादी के एक दिन बाद ही क्यों उसे अपने पति का घर छोड़ना पड़ा? एक अच्छी और महत्वपूर्ण काम के लिए मिताली को अपना घर परिवार, अपना पति, सब कुछ छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। बहू किसकी है? सुना है बहू बहुत सारा सामान लाई है, लाती तो देखती ना। क्यों अभी तक नहीं लाई? हमारी बहू सुंदर, सुशील और साथ में लाई है सौभाग्य। हमारे तो भाग्य खुल गए। माँ अभी छोड़ो ये सब, अभी बाकी कामों में ध्यान देना जरूरी है। सच कहा, बाकी कामों में ध्यान लगाना ज्यादा अच्छा होगा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बहू तुम यहाँ क्या सोच रही हो? घर छोड़ के आई इसलिए बुरा लग रहा है क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किन क्या? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलो। बोलो। मतलब मैं समझती हूँ कि शादी का घर है और अभी भी कई सारे रस्मों रिवाजें बाकी भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग साफ सफाई में ध्यान ना दें। अच्छा ये बात है, इतनी सी बात को लेकर इतना क्यों सोचना? इतनी सी बात मतलब मैं कुछ समझी नहीं। और नहीं तो क्या, गंदगी ही तो है, साफ हो जाएंगे। गंदे वातावरण में रहना सेहत के लिए कितनी हानिकारक है ये शायद मालूम नहीं है आप लोगों को। मुझे ये सब बातें कहाँ मालूम, ये गंदगी तो साधारण बात है, साफ हो जाएंगे ना, भी क्या सोचना। नहीं बहू, ऐसे झाड़ू पोछा नहीं करते। आपसे एक और बात पूछनी है। पूछो, क्या पूछना है? आपके यहाँ शौचालय कहाँ है? मुझे कहीं नहीं दिखी थी। अरे हाँ, तुम्हें बताने ही भूल गई, हमारे यहाँ तो शौचालय ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम भी क्या इतने छोटे छोटे बात को लेकर बैठी, बाहर आओ तो कुछ औरतें आए हैं। पर मुझे ऐसे आदत नहीं है, मैं क्या करूँगी? आदत नहीं तो हो जाएंगे, इतना भी क्या सोचना। ऐसी बात नहीं है, खुले में शौच करना सेहत के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वैसे तो हम लोग मर्यादा के बारे में खूब बातें करते हैं,
जैसे घूंघट लेना, प्रणाम करना, पर जब हम खुले में ही ऐसे काम करते हैं तब हमारी मर्यादा कहाँ चली जाती है। खास करके जब घर में नई बहू हो तब। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। बहू की खुंगत लेना तो हमारी परंपरा है। कहा की बातें कहा जोड़े हैं। वही तो हमारी सोच। जहाँ सोच वही शौचालय। हम अपने सोच में बदलाव लाएंगे तभी तो समाज में परिवर्तन आएंगे और तरक्की की ओर बढ़ेंगे। परंपरा की इज्जत मैं करती हूँ, लेकिन हमारी बेहतर सेहत के लिए साफ सुथरे परिवेश में रहना बेहद जरूरी है। और भारत सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान शुरू की है। इसके अलावा शौचालय बनवाने के लिए भी भारत सरकार से सहायता मिलती है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। खुले में शौच करने से शर्म आती है सो तो अलग बात है, लेकिन हम इससे कितनी बीमारियों को बुलावा देते हैं ये सोचने वाली बात है। बहू, तुम पहले दिन से ही ज्यादा बातें कर रही। जो नियम है उसका पालन करना हम लोगों का धर्म है। लेकिन उसमें आदर्श होना भी तो जरूरी है ना। धर्म के लिए हम अगर मर्यादा का पालन करें तो घर में भी मर्यादा सूचक परिवेश होना जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर उसके लिए दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। कौन सा दूसरा रास्ता अपनाने की बात कर रही हो बहू? प्रतिवादी रास्ता माँ जी। हाँ, इसके लिए मैं विरोध जरूर करूँगी। समाज तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए मैं लड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कदम क्यों ना उठानी पड़े। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, पूरी गांव की समस्या है। आज हमारे गांव का एक एक बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और हम लोग आज भी शौच के लिए बाहर जाते हैं। हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाती है, कितनी शर्म की बात है। और सोचा किसी ने नहीं सिवाय मिताली के। जिस लड़की ने समाज के लिए, गांव की स्वच्छता के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, आज हम लोग उसी के विरोध यहां फैसला सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। कितनी ताज्जुब की बात है। मैं भी मिताली का दोषी हूं। मैं भी स्वार्थी होकर उसकी आदर्श को समझ ही नहीं पाया उसकी महान उद्देश्य को। लेकिन आज जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उसके पास लौट आया। तुमने क्या सोचा, मैं तुम्हें भूल पाऊंगा? कभी नहीं। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिशों का मुकाबला तो नहीं कर पाऊंगा, पर सहयोग तो कर सकता हूं। तुम्हारे आदर्शों को अपना कर तुम्हारे साथ चलने का वादा करता हूं। जब तक जिंदा हूं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गांव वालों, आज के लिए सभा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। चलिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, बाहर आइए तो देखिए तो कौन आया है। बेटी, तुम हमें गलत मत समझना। ऐसे क्यों कह रहे हैं चाचा जी? मुझे भी माफ कर देना, बाप होकर भी अपने बेटी का सोच को समझ नहीं पाया। आप ऐसे मत कहिए पिताजी, आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग मेरा सहयोग कीजिएगा, यही मेरे लिए काफी है। जरूर, तुम हमारे गांव की गौरव हो, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ नहीं चाचा जी, समाज के साथ तथा भारत सरकार के नीति और आदर्शों के साथ रहिएगा, हम सब मिलकर ही समाज को आगे लेके जा सकते हैं। जीतू, मुकुट, एक बात कहूं? क्या? आज सभा में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मतलब? मतलब आज विपुल ने मिताली के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब तो सच ही है ना? वो सब सच है, लेकिन वो सब हम जानते हैं, गांव वाले नहीं। यही तो गलत बात है, ये सच गांव वालों को भी जानना जरूरी है। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो यार तुम? मैं ठीक बोल रहा हूँ। मिताली जो कर रही है वो अपने भलाई के लिए नहीं, इस गांव के भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए कर रही है, तो हम क्यों बिना वजह उसके काम में रुकावट बने? लेकिन उसने हमारा ठंडा बंद कर दिया, लेकिन हम जो कर रहे थे वो करने के लायक भी नहीं था, उससे हमें पैसा जरूर मिल रहा था, ये सच है, लेकिन अपनी इज्जत गंवा रहे थे ये भी झूठ नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं मिताली और विपुल से माफी मांगने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, अगर तुम लोग मेरे साथ सहमत हो तो चलो मेरे साथ। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से हमें भी चलना चाहिए।
लेकिन हमारे साथ और कोई जाएगा। क्या, कौन है वो? राजीव और प्रांजित। क्यों? क्योंकि उनसे नजरें मिलाना मेरे हिम्मत की बात नहीं है। ये कहीं ना पते की बात। चलो चलो चलो। चलती हूँ पिताजी। जा बेटी, खुश रहना, मिलजुल कर रहना। आप मत रोइए पिताजी, और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत कीजिएगा। बस अपना ख्याल रखिएगा, मैं आती रहूंगी। चलती हूँ पिताजी। अब चिंता मत कीजिए, इस बार मिताली को कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं नहीं, तुम लोगों ने मिताली को अपना लिया और वो भी जाने के लिए राजी हो गई। एक बाप के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सिर्फ तुम लोग मिलजुल कर रहना, खुश रहना, कभी झगड़ा मत करना, ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है मिताली, विपुल, तुम लोग। हाँ मिताली, हम तुम लोगों से कुछ कहने आए हैं। और क्या कहने को बाकी रह गया? तुम लोगों ने जो किया वो क्या कम था? विपुल, हमें और शर्मिंदा मत करो। हम असल में तुम और मिताली से माफी मांगने आए हैं। हाँ मिताली, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मिताली, इन्हें माफ कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। गांव वाले ठीक ही कहते हैं, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मिताली, आज जो रास्ता तुमने हम गांव वालों को दिखाया है, हम वादा करते हैं कि हम उसी पर चलने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो हम चले? हाँ पिताजी, हम लोग चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, और मिताली का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और आप तो मैंने घर में शौचालय भी बना लिया। ठीक है, चलता हूँ, चलता हूँ। चलती हूँ। चलो। चाचा, हम भी चलते हैं। ठीक है। नमस्ते। चलते हैं, चलो। चलो। सबस सबस।